Hello guys, this is Jassi, faculty of English from GOODLUCK Institute. Today in this video, we are going to discuss one of the most serious issue of English language, that is how to learn vocabs. जी हाँ, सबसे बड़ा issue है हमारा कि vocabs कैसे याद हो. हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं. कई बार हमने उनको रट्टा भी मार लिया लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं. But in my this video, I'm gonna let you know an easy trick to learn word meanings and maximum vocabs. First, I would like to tell you what you guys need to do. The first point you should remember, that is look around yourself. Ji haan, wherever you are, doesn't matter, just look around you. Like if you are in a room, look around you. Look at the things and try to get the English meaning of all the things you see. This is the first thing. आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उस पार्टी में चीज़ों को देखो और उनके इंग्लिश मीनिंग जानने की कोशिश करो. आप किसी हॉल में हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करो, उनके इंग्लिश मीनिंग जानने की कोशिश करो. आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम के रिलेटेड जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको जानने की कोशिश करो. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू गाइज नीड टू डू. सेकेंड चीज़ जो है हमारी वो है आप लोगों की लर्न वोकैब्स ऑन टॉपिक. जी हाँ, टॉपिक जैसे क्राइम पे हो गए, मैरिज पे हो गया, रेन पे हो गया, लवर अफेयर्स पे हो गया. अगर आप किसी एक टॉपिक को पिक करते हैं और उस पर वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी वर्ड मीनिंग्स आएंगे और आप बहुत जल्दी उनको आप याद भी कर सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है कि इन सभी वर्ड मीनिंग को जो आपने याद किए हैं उसको हम लॉन्ग टाइम तक कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं. फॉर दैट वी हैव थर्ड पॉइंट, दैट इज डायरी एंट्री और पैराग्राफ राइटिंग. दिस इज द ईजिएस्ट वे टू कीप ऑल दैट वर्ड्स रिमाइंडेड व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड. तो सबसे इजी तरीका है हमारा ये डायरी एंट्री करो आप या आप एक पैराग्राफ की आप राइटिंग करो, उसमें सारे वर्ड्स आपके मैक्सिमम यूज हो जाएंगे. या आप इस तरह की स्टोरीज बनाइए जिसमें आपके वो वर्ड्स यूज होते चले जाए. इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू गाइज नीड टू डू इज योर रीडिंग. यस, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स इन अ डे यू शुड गो फॉर रीडिंग. अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको अलग अलग नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग आप जानने की कोशिश करोगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज पर यू सेंटेंस आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आने लग जाएगा और वो वर्ड हमारा कहाँ क्यों लग रहा है उसका भी आपको समझ में आने लग जाएगा. अब मैं बात करता हूँ व्हाट यू गाइस डिड नॉट टू डू. फाइन, अभी तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे मैंने आपको बताया था क्या आपको करना चाहिए. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या आपको नहीं करना चाहिए. सबसे पहली चीज, डोंट क्रैम वर्ड मीनिंग्स. जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट क्रैमिंग ऑल दी वर्ड्स इन मीनिंग. आप क्रैमिंग से उसको याद तो कर सकते हो बट एट द नीड ऑफ टाइम यू विल नॉट गेट ऑल दैट वर्ड्स यू हैव क्रैम्ड ऑन योर टंग, क्योंकि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना एक्टिव नहीं हो पाता है क्योंकि हम उस वर्ड के इतने यूज टू नहीं है. व्हेन समबडी विल रिमाइंड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड तब आप बोलोगे कि हाँ यार मुझे उसका मतलब आता था. तो आपको क्रैमिंग नहीं करनी है. इंस्टीड आप उन सभी वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करो, पैराग्राफ में यूज करो, सो दैट यू कैन रिमाइंड ऑल दीज वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. फाइन, सेकेंड चीज जो आपको नहीं करनी, डोंट लर्न वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम डिक्शनरी. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होके फिर वही करते हैं कि वो डिक्शनरी लेके आ जाते हैं, वो बैठ के सारे वर्ड मीनिंग्स को याद करने लग जाते हैं एक रट्टे के तरीके से. वो करने की वजह से क्या होता है, आपको लगता है कि एक वर्ड हमने याद किया और उसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता. ईच वर्ड हैज इट्स ओन वैल्यू. हर वर्ड अपना चेंज भी होगा आपका एज पर द डिमांड ऑफ द सेंटेंस एंड सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन अ सेंस. अगर आप एक वर्ड को यूज करते हो, सपोज हम बात करते हैं मिलाना, अगर मैं किसी पर्सन को किसी पर्सन से मिलवा रहा हूँ तो मैं वर्ड यूज करूंगा इंट्रोड्यूस. अगर मैं बहुत सारी चीजों को आपस में मिला रहा हूँ तो हमने क्या किया उसके लिए मिक्स वर्ड का यूज किया. अगर मैं कार्ड्स को मिला रहा हूँ तो मैं शफल वर्ड का. अगर हम कोई जोड़ी बनाते हैं तो हम उसके लिए मैच का वर्ड यूज करते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे हर वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है हमारे सेंटेंस के हिसाब से. तो मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें बताई कि क्या आपको करनी चाहिए और क्या आपको नहीं करनी चाहिए. आप इस चीज़ को 1 week 10 days करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ एंड यू विल लर्न मैक्सिमम वर्ड मीनिंग्स. जैसे जस्सी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो.